बहुत एडवांस, हम कहते हैं बहुत एडवांस हो गई है, बहुत मॉडर्न हो गई है। उसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है, बुली बुली मतलब बैल। बुली साइड साइड से पढ़ा, अंग्रेजी में ट्याम टूम किया, इंग्लिश में बोल लेती हूँ, अंग्रेजी में ट्याम टूम किया, ई बराबर एफ सी स्क्वायर भी जाना, साइंस पढ़ी, सापेक्ष से लेकर गति के सिद्धांत भी पढ़े ठहरे। हमारे यहाँ ठहरा शब्द बोलते हैं, पढ़ा ठहरा, सापेक्ष से लेकर गति के सिद्धांत भी पढ़े ठहरे, जड़त्व का नियम भी पढ़ा, आर्किमिडीज भी समझा ठहरा, आर्किमिडीज साइंस मतलब साइंस पढ़ी तुमने, ओ टू सी ओ टू भी जानने वाली ठहरी, पदार्थों की तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस, ठोस मतलब ये सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये भी पढ़ते हो, ठोस द्रव गैस भी पता ठहरा, अमीबा पैरामीशियम के चित्र भी बनाए ठहरे, भूगोल खगोल भी पढ़ा ठहरा, बीएड भी ठहरी। हमारे यहाँ बीएड सबको करा देते हैं क्योंकि बीएड कॉलेज है वहां, तो टीचर तो बनी जाओगी, तो बीएड भी करा ठहरा। फिर क्या होता है, लड़कियों की शादी नहीं होती, वो पढ़ती रहती है। हमारे यहाँ पढ़ाई का बड़ा घुमाऊ में पढ़ी लिखी लड़कियां शादी नहीं हुई, एक साल और पढ़ लिया, फिर शादी नहीं हुई एक और पढ़ लिया। इवन आपको ऐसा यूपी में भी, हाँ सभी जगह होता है, लेकिन हमारे वहाँ तो कुमाऊं में पढ़ी लिखी लड़कियां आपको बहुत मिलेंगी, और जाने कितने सब्जेक्ट्स में एमए जरूर मिलेंगे। अच्छा, बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपका विवाह नहीं हुआ, आपने फिर से इंग्लिश में कर लिया, फिर आपने इसमें कर लिया, साइकोलॉजी में कर लिया, आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में कर लिया। भूगोल खगोल भी पढ़ा ठहरा, बीएड भी ठहरी, पीएचडी भी हो गई, लेकिन नहीं छोड़ा शुक्रवार का व्रत। लेकिन नहीं छोड़ा शुक्रवार का व्रत, इम्तिहान से पहले पिठिया लगाना, पिठिया टीका लगाना, जाके मम्मी टीका लगा देती है एग्जाम से पहले, चाहे आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए लेकिन हम टीका लगाते ही लगाते हैं। इम्तिहान से पहले पिठिया लगाना, 16 सोमवार रखना, नहीं सीखा घर वालों ने गऊ जैसी बेटी का, तेरी खुशी हुई, बहुत खुश हो गई जब माँ बाप ने कहा कि तू गाय की जैसी बेटी है हमारी, उससे खुश हो गई। कभी कभार सोचता हूँ क्या मिट्टी की बनी ठहरी तू भी, कि ज्ञान को दरकिनार कर गले लगा लेती है, बने बनाए सांचे, उन सांचों पे खुद को समेटते हुए नदी के बूंद फिर बूंद से भाप बनकर हो जाती है। ऐसे ही जैसे तू कभी थी ही नहीं, जैसे कि तू कुछ जानती ही नहीं, सिवा सेवा और बच्चे पालने के, जैसे कि तूने पढ़ा ही नहीं, जीने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, जैसे कि तूने केवल आत्मसमर्पण के लिए लिया वो जन्म, पति घर बच्चे पाकर, जैसे कि तुझे मिल गया हो दुनिया का कोई खजाना, जबकि भूली दुनिया और भी ठहरी रहे, जबकि भूली दुनिया और भी ठहरी रहे इंसान के लिए। अनिल कार्की की इस कहानी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ पूनम अग्रवाल जी को, जो अपनी कहानी पढ़ेंगे। नहीं, मैं एक लेख, एक लेख